बॉलीवुड के सबसे चर्चित और महंगे तलाक केस में से एक है करिश्मा कपूर और संजय कपूर के बीच साल 2016 में हुआ तलाक। 90 के दशक की टॉप अभिनेत्री रहीं करिश्मा कपूर ने साल 2003 में दिल्ली बेस्ड मल्टी मिलेनियर बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी, लेकिन करिश्मा ने शादीशुदा जिंदगी में खुशियां कम दुख ज्यादा देखे। शादी के कुछ साल बाद ही करिश्मा संजय से अलग रहने लगी थी। दोनों ने 2014 में तलाक का केस फाइनल किया था और साल 2016 में इनका रिश्ता कानूनी तौर पर खत्म हो गया था। हालांकि इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि करिश्मा और संजय की शादी जितनी चर्चा में रही थी उससे कहीं ज्यादा सुर्खियां इनके तलाक ने बटोरी थी। वजह थी वो इल्जाम जो करिश्मा और संजय ने एक दूसरे पर लगाए थे। दरअसल करिश्मा और संजय ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला तो ले लिया था, लेकिन पूरा मामला बच्चों की कस्टडी पर जा अटका था। करिश्मा अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, वहीं संजय भी बच्चों की कस्टडी हासिल करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार थे। इस दौरान करिश्मा और संजय ने एक दूसरे पर खूब कीचड़ भी उछाला था। संजय कपूर ने कई गंभीर आरोप करिश्मा कपूर पर लगाए थे। संजय का आरोप था कि करिश्मा ने उनसे सिर्फ पैसे के लिए शादी की थी। करिश्मा पर संजय के लगाए इल्जाम इतने गंभीर थे कि ससुर रणधीर कपूर ने संजय को थर्ड क्लास आदमी तक बता दिया था। दरअसल कोर्ट में जब करिश्मा ने बताया था कि संजय उन्हें खर्चे के लिए जरूरी पैसे भी नहीं देते हैं, तब संजय ने भी करिश्मा कपूर को लालची बताते हुए ये कहा था कि करिश्मा ने सिर्फ पैसों के लिए उनसे शादी की है। साल 2016 में संजय कपूर ने बांद्रा के फैमिली कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए आरोप लगाया था कि करिश्मा पैसों के लिए अपने बच्चों का इस्तेमाल कर रही हैं। अपनी अर्जी में संजय ने करिश्मा पर गंभीर इल्जाम लगाते हुए दावा किया था कि करिश्मा एक पत्नी और बहू की जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही है। उन्होंने माँ की जिम्मेदारी को भी ठीक तरीके से नहीं निभाया है। करिश्मा बच्चों का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि वो मुझसे ज्यादा से ज्यादा पैसे की मांग कर सकें। संजय के इन इल्जामों के बाद कपूर परिवार, खासतौर से रणधीर कपूर की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई थी। रणधीर कपूर ने दामाद को थर्ड क्लास आदमी बताते हुए कहा था कि मैं कभी भी नहीं चाहता था कि करिश्मा उससे शादी करे। इसके साथ ही उन्होंने करिश्मा को दुनिया की सबसे अच्छी माँ बताया था। बता दें कि करिश्मा और संजय कपूर का तलाक बॉलीवुड के सबसे महंगे तलाक केस में से है। संजय कपूर को तलाक के बाद करिश्मा को बतौर एलिमनी मोटी रकम देनी पड़ी थी। संजय के पिता का मुंबई का खार वाला फ्लैट करिश्मा के नाम कर दिया गया था। इसके साथ ही संजय ने अपने दोनों बच्चों के नाम से 14 करोड़ के बॉन्ड खरीदे थे, जिसका ब्याज प्रति महीने 10 लाख रुपए करिश्मा को मिलता है। इतना ही नहीं, बच्चों की पढ़ाई और रहन सहन पर होने वाले खर्चे की जिम्मेदारी भी संजय कपूर के पास ही है। इसके अलावा संजय कपूर के परिवार ने शादी पर करिश्मा को जो भी गहने दिए थे वह सब उन्हें लौटाने नहीं पड़े थे। बदले में संजय कपूर को भी साल भर में 2 से 3 महीने अपने बच्चों के साथ रहने की छूट मिली। करिश्मा और संजय जब तक कानूनी रूप से अलग हुए तब तक इनके रिश्ते में बेहद कड़वाहट आ चुकी थी। हालांकि अब इस कड़वाहट को भुलाकर दोनों ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।